अरे जल्दी कौन कौन जल्दी ससुर जी प्रेम से बोलिए भयंकर बोलिए शत्रु माता श्री श्याम सुंदर हरदेव जी महाराज की बोलिए यमुना मैया की ससुरता जन सब यहाँ पर सुन के बाद तले बैठ कर सत्संग का आयोजन उनके सहयोग से जो हुआ है उसमें सभी सम्मिलित हैं और इस प्रकार से मिशन यमुना मिशन और मिशन का भाव ही ये होता है कि जहाँ पर कि बिना किसी भेदभाव के सभी एकत्रित होकर के न यहाँ पर कोई छोटे बड़े का भाव होता है, न जाति पाति का भाव होता है, न धनी निर्धन का भाव होता है। एक वॉलंटियर की तरह सभी उस सेवा में योगदान देते हैं जो कि मानव मात्र के कल्याण के लिए हुआ करती है। ताज असमत आज ये यमुना मिशन भी यही एक कार्यकला है जिसमें कि हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर के यमुना मिला में स्नान करते हैं। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर शुभता होती है वहीं पर सब कुछ होता है और वही सब कुछ अच्छा भी लगता है। जहाँ पानी भी गंदा है तो उसमें स्नान करने आचरण तो बहुत दूर की बात है, स्नान करने का भी मन नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है। और इस स्वच्छता के लिए जो यमुना मिशन है एक ऐसा कार्यकला है कि जिसमें कि यमुना मैया का जो पानी है वो स्वच्छ बने, पवित्र बने और इसके साथ साथ चारों तरफ एक हरियाली का वातावरण हो और इसके साथ साथ एक स्वच्छ वातावरण सबको ही अच्छा लगता है। प्रदूषण अनेकों प्रकार के प्रदूषण आज हम संसार में देख रहे हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण है, चाहे वो शासन पानी का पानी प्रदूषण है, अनेकों प्रकार के प्रदूषण शासन मानव मात्र को सुख देने वाले नहीं है। ठीक उसी प्रकार से शासन जो बाहर के प्रदूषण है उनके साथ साथ आंतरिक प्रदूषण भी मानव मात्र के पास में बहुत होते हैं, चाहे वो गुंडा का है, चाहे चुगली का है, चाहे छल कपट का है, चाहे ऊंच नीच के भाव का है, चाहे वो जाति पाति के भाव का है। ये भी शासन में पहले को प्रदूषण इस मानव के अंदर ऐसे प्रवेश कर जाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है। आज शासन से सत्संग का भाव और गुरु का भाव या फिर उसमें है परमात्मा की एकत्व की भावना, एकता की भावना या पवित्रता की भावना। तो शासन हम ये जो कार्य कर रहे हैं यमुना मैया के प्रदूषण के लिए या फिर एक हरियाली के लिए या फिर एक स्वच्छता पवित्रता के लिए वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वहाँ पर शासन ये लंका अधिवेशन भी चैरिटेबल फाउंडेशन कि बैनर पहले अनेकों ऐसे काम कर रहा है, चाहे शासनत में रक्तदान का कार्य हो, चाहे शासनत एक बहुत बड़े ये उतार चढ़ाव ये बाढ़ पीड़ितों की सहायता है, चाहे वो शासनत कहीं पर भूकंप आते हैं और वहाँ पर जहाँ जहाँ भी जन हानि होती है वहाँ पर भी जाकर के अनेकों प्रकार के सहयोग ये चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले कार्य मिशन भी
सत्संगत अनेक कोई स्थानों पर जहां जहां भी देखता है वहां करता चला जाता है। तो सत्संगत करने का भाव यही है कि प्रदूषण है। अब प्रदूषण चाहे वो बाहर का है चाहे वो अंदर का है, वो प्रदूषण निकलना ही सर्वश्रेष्ठ बात है। अगर वो प्रदूषण नहीं निकलेगा वो सत्संगत फिर स्वच्छता पवित्रता कैसे रहेगी। सत्संगत बाहरी वातावरण के लिए तो हम अनेकों क्रिया कर्म कर रहे हैं, लेकिन सत्संगत से अंदर के प्रदूषण के लिए एक सत्संग ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस मन के विकार, मन के उतार चढ़ाव, मन के भ्रम और सत्संगत ये जाति पाति ऊंच नीच है कपट भेदभाव की भावनाएं, ये सत्संगत सबसे निर्वर्तन का एक भाव सत्संग के द्वारा जागृत होता है। पार सत्संगत सौभाग्य है कि उन्होंने भी यमुना मिशन उन्होंने भी यहाँ पर आज एक सत्संग का इस रूप में आयोजन किया है। और सत्संगत सत्संग ही एक ऐसा है जिसके द्वारा ये पवित्रता सुंदर और ये स्वच्छता ये मन में जागृत होती है। और जब मन पवित्र होता है तो सत्संगत महात्माओं ने तो लिखा है कि तन पवित्र सेवा की, तन की पवित्रता और सेवा है तो तन पवित्र सेवा की, सेवा से पवित्र होता है, स्नान करने से पवित्रता नहीं है। तो आप सत्संगत इसी प्रकार से महात्मा कहते हैं कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान, धन की पवित्रता धन की सेवा दान करने से है। माँ के सत्संगत को जैसे ऊंचे ऊंचे काम शराब पीने में धन खर्च करना उदासी और सत्संगत अनेक क्रिया कर्मों में धन खर्च किया कि हुआ क्या लाभ देने वाला है। तो मन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजन से, और मन की पवित्रता है सेवा है तो सत्संगत वो हरि के भजन से है। और हरि के भजन की तरफ अगर ध्यान कहीं सत्संगत किसी मानव का जोड़ता है तो वो सत्संग के द्वारा ही जुड़ता है, संतों का साथ करने से ही जुड़ता है, गुरु के सानिध्य से ही जुड़ता है। और जहाँ जीवन में सत्संगत एक मनुष्य जन्म तो एक ऐसा जन्म है जिसके लिए महात्माओं ने ऐसा भी लिख दिया कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिल जाता है। ऐसा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सत्संगत इस मनुष्य जन्म को मिलने के बाद किसी ने ये लिखा कि इस मनुष्य जन्म इस पवित्रता और सुंदरता और मन को निर्मल करने के लिए कभी गुरु की भी प्राप्ति हो जाती है, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। लेकिन सत्संगत वो ही बलभागी होते हैं जिनको जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है, क्योंकि सत्संग की प्राप्ति के द्वारा ही गुरु की प्राप्ति होती है। और जब गुरु की प्राप्ति होती है तो सत्संगत हरि की प्राप्ति होती है, और जहाँ हरि की प्राप्ति हो जाती है प्रभु की प्राप्ति हो जाती है तो फिर सत्संगत ये अपने आप की भी प्राप्ति कर लेता है। तो सत्संगत ऐसा ही शुभ अवसर यहाँ पर इस यमुना मिशन के द्वारा सत्संगत ये हम आप सबको मिला है। तो यही दातार सदगुरु इस गरीब या निरंकार प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि दातार ये जितने भी कदम ये इस संसार में एक स्वच्छता या पवित्रता या सत्संगत एक मिलवर्तन या भाईचारे के लिए उठाए जाते हैं वो निरंतर इसी प्रकार से चलते रहे, जिससे कि सत्संगत ये सबका ही जीवन एक पवित्र और ये सब वातावरण और सत्संगत हर प्रकार से स्वच्छ सफाई, सत्संगत भारत में भी एक स्वच्छता मिशन चल, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। तो आज सत्संगत अनेकों मिशन मिलकर के सब मानवता के हित में ही सारे कार्य कर रहे हैं, जिससे कि मानव का हित हो, मानव की भलाई हो। तो आज सत्संगत इसमें हम आप सबने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना है और सत्संगत इसमें पूर्ण सहयोग भी देना है, जिससे कि सत्संगत और भी आगे से आगे बढ़कर और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, बढ़ता चला जाए और भी आगे बढ़ता चला जाए। तो इन शब्दों के साथ सत्संगत दास आप सबसे यही प्रार्थना करता है कि यही अरदास करता है स्वीकार प्रभु परमात्मा से प्रदाता सबका हर तरीके से भला हो, सबको हर तरीके से खुशहाली मिले, हर तरीके से सत्संगत हम स्वच्छता पवित्रता की तरफ आगे बढ़ते चले जाए,
जहाँ हम वातावरण को स्वच्छ करें वहाँ हमारे मन भी पवित्र और स्वच्छ और सुंदर निर्मल बनते चले जाएं। और ये तभी संभव है जब प्रशासनगत हमारा ये मन उस पर भी परमात्मा के साथ जुड़ेगा। तो यही सच्चाई है, यही हकीकत है, और इस सच्चाई और हकीकत के साथ चलते चले जाए, यही शासनगत अरदास कामना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे क्षमा प्रार्थी है और यही अरदास प्रार्थना करता है कि अपने लिए, आप सबके लिए, सारे संसार के लिए, जो सबका भला करे भगवान, सबका सब विधेय कल्याण, कौन सी बोलिए।